अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। आज हिमालय भी मुस्काया, स्वागत में पैगाम ये लाया। इस दैवी फुलवारी का आपको शत शत नमन। ये बादल बोले स्वागतम, गुलशन ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम स्वागतम, ये धरती बोली स्वागतम, अंबर ये बोला स्वागतम, ये सागर नदियां पंछी बोले आपका शुभ आगमन। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति ओम शांति। या बेन वेलकम, थैंक यू वेरी मच। आज हमारे लिए बहुत खुशी का ही दिन है, बहुत महीनों से हम सोच रहे थे आपको सुनने के लिए, बहुत दिन थी और वो समय वो सुहानी घड़ी आज है कि आज हम आपका पूरा अनुभव सुनेंगे। तो आर्ट एंड कल्चर विंग की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और देखो आपको सुनने के लिए हेडपार्ट दयाल भाई भी हमारे साथ है, तो दयाल भाई से भी मैं कहूंगा आप स्वागत करें। और दयाल भाई उत्सुक है कुछ आपको एक दो प्रश्न भी कुछ पूछने के लिए। और मीना बहन भी हमारे साथ मुंबई से है। मीना बहन आप भी दो शब्द वेलकम के कहे, फिर हम मीना बहन का बाद में अनुभव सुने। मीना बहन ओम शांति। नेहा दीदी ओम शांति। मीना बहन वेलकम, इट्स सो ब्यूटीफुल टू हैव यू हियर, यहाँ हमारे सामने मधुबन पहुंच गए हम। नेहा दीदी के आर्ट एंड कल्चर विंग में दयाल भाई के साथ हमने सेवा भी की है, बहुत भाग्यशाली है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, बहुत बहुत खुशी है कि अभी आपके मुख से हम लोग इतने सारे रत्न सुनने वाले हैं। तो वी आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू एंड ओम शांति। थैंक यू मीना बहन। हाँ दयाल भाई आप भी दो शब्द कहे। अभी मैं तो बहुत समय के बाद में मिल रहा हूँ, क्योंकि बीच में काफी गैप हो गई थी। नेहा बहन जी से दादी जब तक बिजी रहे दादी के देखभाल में, तो मेरे ख्याल से करीब 2 साल के करीब इतना हो गया कि अच्छे से आमने सामने बैठकर नेहा बहन जी से बातचीत नहीं हुई। तो चलो ड्रामानुसार, वो भी बहुत अच्छा पार्ट रहा, इन्होंने बहुत सेवाएं की। और मैं नेहा बहन को हमेशा कहता था कि आप बहुत दुआएं कमा रही हो, पूरे वर्ल्ड से आत्माओं की दुआएं कमा रही हो दादी की सेवा के जो निमित्त आप लोगों को बनाया है। तो बस अभी सुनेंगे थोड़ा, वो भी दादी के साथ में कैसा उनका अनुभव रहा वो भी सुनेंगे, और थोड़ा कल्चरल विंग की सेवा का गढ़ रहा है गाम देवी। बिल्कुल हाँ, तो शुरुआती वहां से हुई है, रमेश भाई और उषा बहन के थ्रू। सबसे पहले यज्ञ के गीत भी वहीं से बने हैं, रिकॉर्डिंग भी वहीं पर हुई है,
वहीं से पहले डांस ड्रामा भी तैयार होके आते थे, तो थोड़ा वो भी सुनेंगे जी। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू दयाल भाई। देखिए नेहा बहन हमारे साथ, पूनम बहन जी भी है, तो पूनम बहन आप स्वागत करें शब्दों के द्वारा और फिर हम अनुभव सुनेंगे आपका। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है पूनम बहन जी। ओम शांति सब भाई बहनों को, ओम शांति, विशेष नेहा बहन जी ओम शांति। आवाज पहुंच रही है सबको? पहुंच रही है। हाँ जी। दयाल भाई जी ओम शांति, बहुत ही सुंदर लग रहा है सारा आर्ट एंड कल्चर विंग का गुलदस्ता इकट्ठा हो गया है, और लेकिन गुलदस्ते का जो माली शिव बाबा और शिव बाबा का जो रथ गुलजार दादी जी और उनकी सेवाओं के विशेष निमित्त बनी अपनी नेहा बहन जी आज हम सबके बीच में पहुंची हुई हैं, तो ऐसे लग रहा है उनको देख करके दादी जी की स्मृति और ज्यादा जागृत हो गई कि कितनी ना पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा है हमारी नेहा बहन जी, जिन्होंने शुरू से ही अपनी ईश्वरीय सेवाओं के द्वारा गाम देवी सेवा केंद्र को तो चमकाया, बड़ों के दिल में तो अपना स्थान बनाया ही बनाया, और साथियों को भी हम जिन्स बना करके आर्ट एंड कल्चर विंग की सेवाओं को आदरणीय कुसुम दीदी जी के साथ आगे लेकर के चल ही रही है। लेकिन जो विशेष खुशी की बात यह है कि दादी जी के साथ रहते रहते आपने जो अव्यक्त स्थिति का अनुभव किया और वो अनुभव आपका जो आपकी जो वार्तालाप अवेकनिंग पर आती है अव्यक्त महावाक्यों के अंदर आती है, और एक नए ढंग से साकार मुरलियों में से भी हम कैसे अव्यक्त पॉइंट ढूंढ करके और अव्यक्त अवस्था में रह सके, ये जो पुरुषार्थ आपका पिछले कोरोना के टाइम में चला तो वो देख करके बहुत ही खुशी हुई कि सचमुच लगा कि भगवान के रथ के समीप रहने से आपकी बुद्धि दिव्य से दिव्य, बारीक से बारीक, महीन से महीन ऐसी होती गई कि आपने अव्यक्त स्थिति भी बनाई अपनी भी और औरों की भी, और उसके गहरे अनुभव भी, और पूरे कल्प के अंदर ये इस संगम युग का ये विशेष पार्ट दादी जी के समीप रहने का, साथ रहने का, उनका अंतिम सेवाओं का दृश्य जो आपने अपने लिए फिक्स कर लिया, सचमुच आप बहुत ही पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं और मुबारक की भी पात्र हैं कि सेवा केंद्र की सेवाओं को संभालते हुए आपने प्यारे बाबा के रथ की भी बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से आपने सेवा की, उसके लिए तो आपका अनेका अनेक बार थैंक्स है, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ, और मिनेश भाई हमारे आदरणीय, दयाल भाई जी और हमारी पूनम दीदी ने तो सचमुच फिर से दादी जी की उन यादों में मुझे एकदम जैसे मैं उस यादों में फिर से ऐसी मगन हो गई कि सचमुच मैं ये कहूंगी कि सारे ब्राह्मण परिवार के आप सभी भाई बहनों की ये विशेष दुआएं रही, मैं उसे ये समझती हूँ कि जिससे ड्रामा का ये एक गोल्डन चांस हमें प्राप्त हुआ। जब अनुभव की बात चल रही है और दयाल भाई ने भी हमें आर्ट एंड कल्चर विंग की जो याद दिलाई, तो मुझे आज ये महसूस हो रहा है कि अनुभव की गाथा को मैं किस कोने से शुरू करूं। वैसे तो देखा जाए कि बाबा का एक एक ब्राह्मण बच्चा अपने में बहुत बहुत विशेष आत्मा है। एक एक बाबा के बच्चे के अनुभव की गाथा अगर हम सुनना शुरू करें तो दिल गदगद हो जाता है, ठीक है ना। मुझे बाबा के वो अव्यक्त महावाक्य याद आए
जब अनुभव की बात आई, बाबा ने कहा था कि ब्राह्मणों को अपने अनुभवों को आपस में शेयर करना चाहिए, एक दूसरे को उससे उमंग उत्साह और प्रेरणा मिलती है। तो मिनेश भाई, मैं तो कहूंगी कि आप एक ये बहुत बड़ी सेवा का कार्य, बेहद सेवा का कार्य कर रहे हो, जो सभी ब्राह्मण भाई बहनों को बाबा के रत्नों को आपस में रूबरू कराते हो। और इससे सचमुच हमारे ब्राह्मण जीवन के इन पलों को हम अनमोल बना सकते हैं, क्योंकि आखिर भी हम एक परिवार के हैं। भल हम विश्व के और देश के अलग अलग कोने में रहे हैं, लेकिन हमें ये नाज है कि हम एक पिता के बच्चे हैं। और ऐसी भावना आती है कि जैसे परिवार, एक परिवार के सब बच्चे अलग अलग रीति से सफलता के शिखरों को पार कर रहे हैं, और जब वो आपस में एक दूसरे को मिलते हैं तो कितनी ना खुशी होती है। यही अनुभूति होती है जब हम एक दूसरे के अनुभवों को सुनते हैं, तो हम सब बहुत बहुत पद्मा पद्म भाग्यशाली है। आज मैं कुछ एक अनुभव की बातें इस प्रकार से सुनाना चाहती हूं, जिसमें बाबा की मदद, बाबा के प्यार के अनुभव और बाबा के श्रीमत का पालन समाया हुआ है। अगर मैं आज अपनी इस अलौकिक जीवन की यात्रा को थोड़ा पीछे मोड़ के देखूं, तो मैं ये कह सकती हूं कि बचपन से 1975, जब मेरी उम्र तो 7-8 साल की थी, और बाबा ने हमारे लौकिक परिवार को अपना बनाया, सोमनाथ का मंदिर, ब्रह्मा बाबा की यादगार वेरावल, वहीं से माता पिता को ज्ञान प्राप्त हुआ। और बस उसी के साथ साथ बचपन से बहनों का इतना प्यार मिला, क्योंकि गीता पाठशाला चलती थी, फादर वेटरनरी डॉक्टर है। और मुझे वो दिन आज याद आ रहे कि हम बहुत छोटे थे, बहनें हमारे पास आकर के रहती थी घर पे ही, 6 साल 2 साल। बस तभी से ये ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय प्यार और धारणाओं के बीच डले, और ये बीज इतने गहरे हुए कि बचपन से बेहद यज्ञ से नाता जुड़ गया। हमें वो सुहावने दिन भी याद आ रहे हैं कि पहला बच्चों का ग्रुप बना था 1978 में, क्योंकि तब तक बच्चों का ग्रुप नहीं था, बड़ों के साथ ऐसे ही जाते थे, फिर बच्चों का प्रोग्राम बना और पहला ग्रुप सिलेक्ट हुआ, जो 78 में राष्ट्रपति भवन में नीलम संजीव रेड्डी थे तब राष्ट्रपति, उसको मिले और वहां कल्चर प्रोग्राम भी हुआ, लेक्चर्स भी हुआ, और उसके बाद तो ये प्रोग्राम्स का सिलसिला चालू रहा। उस समय का बाबा के बेहद यज्ञ का प्यार जो हमें मिला, मुझे ये कहने में बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि उस समय के बच्चों के प्रोग्राम के मेजोरिटी बच्चे, जो कन्याएं थी छोटे छोटे बच्चियों के रूप में, आज बाबा के अच्छे अच्छे स्थान पे सेवाएं दे रही है। और अलौकिक यात्रा ऐसे शुरू हुई।
और फिर तो बाबा के प्यार के अनुभव, मदद के अनुभव जो बाल्यकाल से स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में जो हुए, मैंने ये पाया है कि धारणाएं जो जीवन की होती है, जो बाबा के समीप ले आती है। हम तब छोटे बच्चे थे, लेकिन दीदियों की और माता पिता की ऐसी पालना थी जो बहुत धारणाओं में पक्के थे। हमें याद है कि हम स्कूल या कॉलेज लाइफ में कभी भी बैच के बिगड़ नहीं गए हैं। बाबा के बैच से इतना प्यार था, बाबा की धारणाओं से इतना प्यार था, जो सेवा के बहुत निमित्त बने। छोटे थे, बाप दादा से मिलने के मौके तो मेडिटेशन हॉल से ही शुरू हुए। लंबे लंबे समय तक बाबा से मिलन मुलाकात, दादियों का वो असीम प्यार, जिसकी वजह से पढ़ाई पूरी होते ही बाबा की सेवा में लगे। और वो सेवा की शुरुआत बाबा के बेहद यज्ञ से हुई, क्योंकि मधुबन से बहुत जुड़े थे, दादियों के बहुत समीप थे। तो दादी हमेशा कहा करती थी कि नेहा, आप पर दादी की नजर है, प्रकाशमणि दादी जी। और सचमुच ऐसे हुआ कि गुजरात जूनागढ़ से हम है, तो वहां हमने 5 साल सेवा की। और फिर दादी जी ने हमें कहा कि अब दादी आपको बेहद सेवा में भेजना चाहती है। आज भी वो दिन में याद करती हूं तो बहुत खुशी हो रही है। 1994 में हमारा समर्पण हुआ था, दो बहनों का, हमारी लौकिक बहन भी है जूनागढ़ में, बीना बहन। और वो समर्पण समारोह जो ओम शांति भवन के स्टेज पे सब बैठे थे, और दादी जी ने कहा कि आपको दादी जी बेहद सेवा में भेजना चाहते हैं, आप जाएंगे? हमने कहा, दादी इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। बचपन से बाबा के ज्ञान का अनुभव करते करते मैंने एक पाठ जीवन में पक्का रखा था, जो अब तक भी है, वो था हांजी का पाठ। जब भी निमित बहने या दीदी कुछ भी कहती थी तो हमेशा हांजी। फिर बाबा, फिर कभी कोई सोच नहीं चलता था। तो बड़ी दादी जी ने फिर दूसरे दिन मुझे कहा कि नेहा, तुम गाम देवी जाएंगे? तो मैंने कहा, हाँ जी दादी। तब दादी जी ने मुझे और कुछ नहीं बोला, और मुझे ना पता था कि गाम देवी की भूमि क्या है। वो इतिहास तो मुझे बाद में पता चला जब मैं गाम देवी आई। उस समय 94 में यहाँ पर शिलेंद्रा दादी थी, आप सब जानते हो, बड़ी दीदी, मनमोहिनी दीदी जी के लौकिक सिस्टर शिल दादी, जिसको बाबा बॉम्बे का गवर्नर भी कहते थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो तब यहाँ पे 3 दादियां थी, शिल दादी थी, हरदेवी दादी थी और रामी दादी थी, और बहने थी। तो मेरा 7वां नंबर था तब। तो तब शिल दादी से जब पहली मुलाकात हुई, हालांकि उसके पहले एक बार मिले थे, गाम देवी सेंटर पर जब मैं आई तब पता चला कि ये तो वो सेंटर है जो प्यारी प्रकाशमणि दादी जी की कर्म भूमि रही, जो साकार बाबा के हस्तों से खुला गया दादी को निमित्त बनाकर। और उनके बाद कई महान हस्तियों ने इस भूमि पर
अपने पुरुषार्थ और तपस्या के बीच डाले हुए थे। ऐसी महान भूमि पर आने का इस आत्मा को सौभाग्य मिला और फिर तो पता चला कि यही सेंटर है जिससे हमारे आदरणीय ब्राता रमेश भाई जी और उषा दीदी भी जुड़े हुए हैं। शिलदादी के साथ साथ हमें 3 साल रहने का मौका मिला, लेकिन तभी से लेकर एक विशेष पार्ट जो खुला था, वो जो अब मैं फील कर रही हूं, और वो विशेष पार्ट था स्वास्थ्य सेवा का। क्योंकि मुझे पता चला यहाँ आने के बाद कि गामदेवी सेंटर का एक ऐसा पार्ट रहा शुरुआत से सभी के स्वास्थ्य को ठीक करने का, क्योंकि उस समय रमेश भाई और उषा बेन के लौकिक सिस्टर डॉक्टर अनिला बेन, जो यज्ञ के डॉक्टर कहलाते थे, ब्रह्मा बाबा से लेकर मम्मा तक और उसके बाद कई वरिष्ठ आत्माओं की सेवा का सौभाग्य अनिला बेन को मिला था। गामदेवी सेंटर में तब रहने का एक ही फ्लैट था, बाकी क्लासरूम अलग है, दूसरी बिल्डिंग में है। तो पहले तो यही फ्लैट था जब शुरुआत में खुला सेंटर, यहीं पे क्लासेस चलता था जब प्रकाशमणि दादी थी। मैं बात कर रही हूँ 1964-65 जब ये सेंटर खुला। सब वरिष्ठ इधर आते थे, कोई की तबीयत बिगड़ती थी तो इसी सेंटर पे अपना स्वास्थ्य लाभ करके ठीक होके जाते थे। मम्मा भी यहीं आई थी, रमेश भाई जी के घर 18 मास रही थी। ये भूमि को एक वरदान मिला था और उसके बाद जैसे मैं गामदेवी में आई, सेवाएं शुरू हुई और शिलेंद्रा दादी की तबीयत बिगड़ गई और 2 साल उनकी सेवा का पार्ट चला। उनके बाद, उनके अव्यक्त होने के बाद हमारी प्यारी उषा दीदी जी निमित्त बनी गामदेवी सेवा केंद्र के लिए, और सेवा का, बेहद सेवा का पार्ट शुरू हुआ। हम सब जानते हैं कि रमेश भाई जी और उषा बेन बाबा के ऐसे विशेष रत्न रहे जो बेहद सेवा में नंबर 1 बन के दिखाया है। मैं ये कह सकती हूं कि उषा दीदी 13 साल तक हमारे साथ साथ सेवा के निमित्त रही, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि वो 13 साल में 30 या 35 सालों जितनी सेवाएं हम सभी ने साथ मिलकर की। हमने कभी भी उषा दीदी को रेस्ट करते हुए नहीं देखा, न खुद किया और न हम बहनों को अलबेला होने दिया। एक प्रोग्राम होता था और दूसरे प्रोग्राम की तैयारी, वो पूरा हुआ तीसरा प्रोग्राम, वो पूरा हुआ चौथा प्रोग्राम। तो आप अंदाज लगा सकते कि ये 13 साल में इतने बेहद के प्रोग्राम्स और सेवाएं हुई जो कोई 30 साल में भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक अनोखा बाबा के संगम के समय का एक, मैं कहूंगी वो मौज का समय था कि जब हमने दीदी जी और भाई जी के साथ साथ मिलकर कई सारे प्रोजेक्ट किए। अभी जो दयाल भाई बोल रहे थे, आर्ट एंड कल्चर विंग, जूरिस्ट विंग, चाहे स्पार्क विंग हो, चाहे सेवा के बेहद के प्रोग्राम हो, अनेक प्रकार के प्रोग्राम्स दीदी भाई जी ने किए और हमें उनके साथ साथ रहने का सौभाग्य मिला। बहुत सारी विशेषताएं हमने देखी
उसको अनुभव किया। यज्ञ में सभी बड़ों के संपर्क में आने का मौका मिला, इंटरनेशनल प्रोग्राम सारे हुए, लेकिन यहां भी मैंने एक बात अनुभव की जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूं। हर समय हमने एक धारणा पक्की रखी थी, बड़ों को निश्चिंत रखना। बड़ों ने कहा हाँ जी, फिर वो बात इम्पॉसिबल भी क्यों ना हो, लेकिन हाँ जी। और उसमें बाबा की असीम मदद का हमने अनुभव किया। दीदी भाई जी के साथ साथ इतनी बेहद सेवा रही कि आत्मा जैसे भरपूर हो गई। और फिर तो दीदी जी के भी लास्ट 2 साल बीमारी के रहे, तो उषा दीदी जी के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी भी ज्यादातर, वैसे तो सभी थे, लेकिन उषा दीदी हमेशा चाहती थी कि हम उनके साथ रहे। तो अंग संग रहकर अंतिम क्षणों तक आपकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिला। जिसे बाबा ने पेशेंट की सेवा करने के अनुभव एक के बाद एक, क्योंकि शिल दादी थी, उनके बाद रामी दादी, हरदेवी दादी, एक के बाद एक ने शरीर छोड़ा, उनकी सेवा का पार्ट, फिर रमेश भाई जी के लौकिक माता जी शांता माता थी तो उनकी भी सेवा का पार्ट, उषा दीदी जी के स्वास्थ्य की सेवा का अनुभव मिला जिसे बाबा प्रिपेयर कर रहे थे एक के बाद एक, एक के बाद एक। उषा दीदी ने साथ साथ रहकर फिर जब अपने देह का त्याग किया, हमें याद है उनके बाद रमेश भाई साहब थे। 2010 में दीदी जी के बाद आदरणीय रमेश भाई जी, उन्होंने कहा, तब तक तो गामदेवी सेंटर एक सब जोन बन गया था, उषा दीदी ने अथक सेवा करके और 8 सेंटर बना दिए, अभी 10 सेंटर है। तो रमेश भाई जी ने कहा कि हम साथ मिलकर सब कुछ करेंगे, तो ये भी एक बड़ा सौभाग्य मिला। अनिला बेन भी थी और रमेश भाई जी भी साथ साथ रहे, और साथ साथ रह करके सब जोन के कारोबार में भी भाई जी साथ रहे, मीटिंग करते थे, सारे प्लान बनते थे, कोई भी बात होती थी, क्योंकि उषा दीदी थी तो ज्यादातर हम उषा दीदी के समीप रहते थे, लेकिन उनके बाद जैसे भाई साहब भी माता पिता दोनों बनकर हमारे साथ साथ रहते थे। 7 साल तक की यात्रा रमेश भाई जी के साथ भी जो हमने की, वो भी एक यादगार हमारे पल है, क्योंकि उषा दीदी से भी ज्यादा भाई साहब ने बेहद की सेवा में हमें व्यस्त कर दिया था। हमेशा रमेश भाई जी कहते थे, कभी भी आराम नहीं करना है, ब्राह्मणों के लिए सेवा ही आराम है। हमने देखा उषा दीदी को कैंसर की बीमारी थी, कभी भी दीदी ने आराम नहीं किया है, इधर रेडिएशन लेने जाते थे, क्लास कराकर जाते थे, मुरली क्लास कराने सेंटर पर आते थे लास्ट समय तक। और वही बात मैंने रमेश भाई जी के साथ देखी, भाई जी का डायलिसिस चल रहा था 5-6 साल तक, डायलिसिस चलता है और भाई जी के लैपटॉप में सेवाएं चालू थी, खुद भी बिजी रहते थे। और हम बहनों को हमेशा कहते थे कि अपने मन को खाली मत रखो,
सेवा करो, मेहनत करो और अपना एक अस्तित्व बनाओ यज्ञ में, हमेशा भाई साहब कहते थे। बहुत बल भरते थे कि ऐसे ढीले ढाले होके मत बैठो, नॉलेज बढ़ाओ, सेवा करो, मनन करो, चिंतन करो। और भाई साहब हमारे साथ साथ चल रहे थे तो कभी सोचा नहीं था, क्योंकि उसके बीच में अनिला बेन जी ने भी शरीर छोड़ा, तो परिवार में से ऑलमोस्ट सभी ने शरीर छोड़ा, एक रमेश भाई जी बाकी थे। लेकिन अचानक भाई साहब भी गिर गए और तबीयत ने कुछ टर्न ले लिया, नहीं तो यही था भाई साहब को कि अब मुझे तो बहुत सेवा करनी है। और एक ही साल में पूरा ड्रामा चेंज हो गया, भाई जी की तबीयत धीरे धीरे नरम होती गई, तो उनके भी साथ साथ हॉस्पिटल में जाना, सेवा में रहने का हमें एक भाग्य मिला था। हमने भाई साहब की भी सभी अंतिम पलों को देखा कि कैसे बाबा की सेवा में व्यस्त रहते हुए बहुत कुछ हमको सिखाया, यज्ञ प्यार क्या होता है, यज्ञ रक्षक कैसे बना जाता है, ये सारी प्रेरणा और शिक्षाएं हमें प्रैक्टिकल में मिली। और बहुत ही विश्वास था, उषाबेन और रमेश भाई जी ने एक संपूर्ण विश्वास रख करके सारा कारोबार सौंपा। 2017 जनवरी मास, और भाई साहब ने अपने देह का त्याग किया, तो ये एक ड्रामा का सीन, वंडरफुल सीन रहा, क्योंकि अब तक बड़ों के अंग संग रहना, उनके साथ चलना और फिर सब एक साथ चले जाना। तो हम बाबा को ये कहते थे कि बाबा अब हमारा रोल क्या है, लेकिन ड्रामा का एक वंडरफुल रहस्य मैं आपको बताऊं कि ड्रामा ऐसा बना कि भाई साहब यहाँ हॉस्पिटल में थे, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, वैसे दादियों का आना जाना रहता था, लेकिन तब से लेकर दादियों के स्वास्थ्य का पार्ट फिर से शुरू हो गया। हमें याद है कि 2016 में इधर भाई साहब हॉस्पिटल में थे और यहाँ रतन मोहिनी दादी का आना हुआ। दादी जी की तबीयत तब काफी बिगड़ गई थी, तो तब रतन मोहिनी दादी जी आए अपने पूरे स्टाफ के साथ। एक तरफ भाई साहब हॉस्पिटल में थे ब्रिज किडनी में, और यहाँ रतन मोहिनी दादी थी। दादी भी ठीक नहीं थी, दो दो एक साथ, तो ये भी एक अलग सेवा का पार्ट रहा। और मैं तो ये कहूंगी कि इस भूमि को वरदान है, इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये वरदानी भूमि है कि जो इधर आते थे स्वस्थ होकर जाते थे। दादी यहाँ पर 25 दिन रही और रतन मोहिनी दादी जी यहाँ से ठीक होकर गई, बस तभी से दादियों की सेवा का पार्ट फिर से शुरू हो गया। फिर तो भाई साहब को लेकर हम मधुबन गए। भाई जी के जाने के बाद मैसेज जब आया था संदेशिका, उसमें भाई साहब ने कहा कि बहुत अच्छी तरह योग का बल बढ़ाओ, किले को मजबूत करो, यज्ञ से कनेक्शन रखो, आगे चलकर बहुत बड़ी सेवा का पार्ट खुलने वाला है। और बस 2017 उनके बीच में जानकी दादी का भी आना हो गया। दादी जी दो बार आई स्वास्थ्य लाभ के लिए, 3 दिन 5 दिन, और दादी जी भी ठीक होके गई। और फिर अप्रैल मास 2017 में अचानक ही दादी जी का, गुलजार दादी जी का स्वास्थ्य
थोड़ा और बिगड़ गया और दादी जी को ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल लाया गया। वो हॉस्पिटल गामदेवी से करीब है। तो ऐसे अप्रैल मास से बाबा के रथ को समीप लाने की, सेवा करने की जो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, और तब से लेकर दादी जी का आना जाना शुरू हुआ। दादी जी पहली बार जब यहाँ पर आई तो 2.5 मास रह गई। हमने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि बाबा का रथ इस भूमि पर आए, आए थे एक दिन के लिए, और फिर नीलूबेन जब यहाँ आई, दादी आई, तो उनको पुरानी यादें आई। नीलूबेन बताया करती थी कि ये भूमि दारुल मुलुक, जो पुराना सेंटर उसका नाम है, ये पारसी नाम है, दारुल मुलुक उसका अर्थ होता है कुछ फरिश्तों का लोक, और एरिया है गामदेवी। नीलूबेन बताती थी कि जब बड़ी दादी थी तब गुलजार दादी को जब कैंसर की बीमारी हुई थी 88 में, तब भी दादी जी यही दारू मुल्क में आई थी, और दादी जी, बड़ी दादी ने अव्यक्त बाप दादा को बुलाया था, और इस भूमि पर अव्यक्त बाप दादा भी आए थे, और दादी ने गुलजार दादी की बीमारी के लिए बाप दादा से राय की थी, तो बोला ये वही भूमि है जो आज हमें खींच के यहाँ लाई है। और तब बाबा ने कहा था, और वो बीमारी की अच्छी तरह से सारवार भी हो गई। उसके बाद मुझे दूसरी एक बात याद आ रही है, 1983 में बड़ी दादी ने यही बॉम्बे हॉस्पिटल में उनका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, तब भी अव्यक्त बाप दादा की यहाँ पधरामनी हुई थी, और बड़ी दीदी से बाप दादा मिलन मुलाकात करके गए थे। 2 बार बाप दादा की पधरामनी हुई थी, और उसके बाद तो बाप दादा का रथ यहां से ठीक होकर के मधुबन आया था। हम सभी ने 3 टन में मुलाकात की थी, और लास्ट मुरली बाबा ने चलाई थी 31 दिसंबर 2017, जिसमें बाबा ने कह दिया था कि ये अंतिम समाप्ति वर्ष है। ड्रामा का वो राज हमें पता नहीं था, लेकिन उसी समय दादी जी फिर से जनवरी मास में तबियत बिगड़ गई, बॉम्बे आई। नीलूबेन कहती थी कि शायद तभी ही दादी जी ने मधुबन से विदा ले ली थी। फिर तो काफी नाजुक तबियत हुई थी, दादी जी वेंटिलेटर पर थी, और तब दादी जी को यहाँ की सेफी हॉस्पिटल में लाया गया। ये भी एक बड़ा वंडरफुल राज है जो मैं आप सभी से शेयर करना चाहती हूँ। दादी जी की कंडीशन ऐसी थी कि आईसीयू में अकेला दादी जी को रखना पड़े, इन्फेक्शन नहीं लगे। कोई बॉम्बे की हॉस्पिटल ऐसी नहीं है जहां सेपरेट आईसीयू हो। सेफी हॉस्पिटल जो बोरियो की हॉस्पिटल है, जो गामदेवी सेंटर के नजदीक है, उनके डायरेक्टर आदि बहुत संपर्क में थे बाबा के घर से। वहां हमने देखा तो वहां एक रॉयल सूट बना हुआ था जो उन्होंने अपने गुरु के लिए खास बनाया था। रॉयल सूट माना राजाई, जिसमें सेपरेट आईसीयू था और अलग पेशेंट का रूम, गेस्ट का रूम, किचन, और सागर के किनारे पर। जब हमने वो देखा तो लगा ये बराबर भगवान के रथ के लिए ही भगवान ने बनाया हुआ है। दादी जी को वहां शिफ्ट किया,
और 15 दिन में ही दादी जी को वेंटिलेटर से बाहर ले आए। 2.5 मास दादी जी हॉस्पिटल में रही, लेकिन वहां का स्टाफ, डॉक्टर्स इतनी दिल से सेवा की। उसके बाद बाबा का रथ फिर से सेंटर पे आया। तब से एक अलग तपस्या काल शुरू हो गया। 2018 से लेकर हमें याद है, 2018, 19, 20, ये 3 साल बाबा का रथ यहां पर था। हमने जो पर्सनली अनुभव किया कि इसमें कई गहरे राज थे। दादी जी ने अपनी तपस्या किस प्रकार से की, हम हमेशा दादी जी को ब्रह्मा बाबा के साथ कंपेयर करते थे। ब्रह्मा बाबा ने अपने तपस्या काल में, अंतिम समय में, कैसे एकांत में अंतर्मुखी होकर बाबा की याद में मगन रहते थे। बराबर दादी जी ने वैसी तपस्या का आरंभ किया। पहले दादी जी फिर भी सबसे कुछ एक दो वाक्य बोलती थी, मिलती थी, बहुत कम आत्माएं अलाउ करते थे क्योंकि दादी जी की तबीयत नाजुक थी। फिर दादी जी ने ओम शांति बोलना शुरू किया और फिर अंत में सिर्फ दृष्टि दादी जी देती थी, और वो इतनी पावरफुल दृष्टि थी कि जो भी आते थे यहां पर सबको लगता था, कहते थे हम दादी जी को मिलने जा रहे हैं, मिलने के बाद कहते थे हमने बाप दादा से मिलन किया। ऐसी दादी जी अखंड तपस्या में थी। फिर तो हमें याद है कि दादी ज्यादा दृष्टि भी नहीं देती थी, देती थी कुछ एक सेकंड, लेकिन वो कुछ एक सेकंड्स की दृष्टि भी इतनी पावरफुल थी। कई बार दादी जी से पूछते थे, दादी जी यज्ञ में ये हो रहा है, क्योंकि यज्ञ से बुलावे बहुत आते थे, 2 सीजन गई ना, दादी को पूछते थे दादी जी मधुबन जाएंगे, दादी जी कहती थी अभी नहीं, मैं बताऊंगी। कभी दादी जी कहती थी मैं बाबा से पूछूंगी। कोई ना कोई प्रकार से दादी जी ने यहां से कहीं भी जाने का टाला। हालांकि हमने बहुत कोशिश की मधुबन ले आने की, लेकिन उनके पीछे ये राज था कि दादी अपने आप को संपन्न बनाने की तपस्या में थी। वंडरफुल अनुभव की गाथाएं अगर सुनाने जाऊं तो समय की सीमा है हमारे सामने, लेकिन बेहद सेवाएं की दादी जी ने। कभी दादी कहती थी कि बस अब एवर रेडी हो जाओ, बोलती थी थोड़ा थोड़ा। कभी दादी जी कहती थी बहुत घमसान है, अभी तो बहुत शुरुआत हो रही है, अचानक सब होना है, अब अपने आप को साक्षी बनाना पड़ेगा, अब एवर रेडी हो जाओ, बस आना और जाना। लास्ट में दादी ने कहा था अब तो परिवर्तन ही परिवर्तन है। बस ऐसे 2 महावाक्यों में इतने गहरे राज थे। ये दादी जी के अंतिम महावाक्य थे। हमने जो पर्सनली दादी जी की दृष्टि में परिवर्तन देखा, लास्ट 1 साल में कई बार नीलूबेन को कहती थी कि नीलूबेन दादी जी की दृष्टि तो देखो, ये ऑर्डिनरी नहीं है, और ये दृष्टि में पिता का प्यार नहीं है, ये तो सद्गुरु की दृष्टि लगती है। कभी कभी जो दादी दृष्टि देती थी, ऐसे लगता था कि इस दृष्टि को सब नहीं ले सकते हैं। ऐसी पावरफुल और स्ट्रिक्ट
जैसे ऑफिशियल रूप हो बाबा का, ये परिवर्तन हमने लास्ट में देखा। फिर तो दादी जी एकांत में रहा करती थी, ऐसे वाइब्रेशन सोते थे कि पांडु भवन है, सब साइलेंस में बातें करते थे। हम नीचे फर्स्ट फ्लोर पे बहने रहती, दादी जी सेकंड फ्लोर पे। लॉकडाउन था लास्ट ईयर का, वंडरफुल अनुभव था। हम एक फ्लैट में 10-11 बहने रहती थी, क्योंकि बाहर आना जाना नहीं था, तो जो भाड़े पे फ्लैट्स थे वो निकाले, और दादी का पूरा 10 जनों का स्टाफ था, नर्सिस और बहनों का। हम सब एक फ्लैट में नीचे रहते थे, ऊपर दादी जी। वो भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। और फिर दादी जी का दिसंबर मास, अचानक दादी जी की तबीयत धीरे धीरे और डाउन रहा करती थी। 9 दिसंबर को अचानक दादी जी की और तबीयत बिगड़ी, तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तब तक 2.5 साल में हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इधर ही आईसीयू बनाया था। तब कोरोना काल भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो चुका था। दादी जी को फिर से सेफी हॉस्पिटल में लेकर गए। दादी जी 1 मास रही। उस 1 मास में वंडरफुल सेवाएं हुई है, और दादी जी की स्थिति उपराम, शरीर की ट्रीटमेंट हो रही थी, अनेक अनेक डॉक्टर्स आते थे, मिलते थे, डिवाइन एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन दादी जैसे देह से उपराम। 1 मास में दादी जी ने मेंटली सबको तैयार कर दिया, खास करके नीलूबेन को। ऐसे तैयार करके दादी जी ने छुट्टी ले ली। मुझे वो घड़ियां आपसे शेयर करने का दिल हो रहा है कि जब शिवरात्रि का दिन था और दादी जी की तबीयत वैसे अगले दिन तक अप एंड डाउन तो हुआ करती थी, लेकिन फिर स्टेबल थी। सभी का फ्लैग होस्टिंग हुआ, हम भी सेंटर पर आए थे, बाबा का झंडा लहराया, भोग लगाया, और अचानक फोन आया, दादी जी की तबीयत सीरियस है, जल्दी से हम पहुंचे। वो शिवरात्रि का दिन 11 तारीख दादी जी के पास पहुंचे, और वो दादी जी के आईसीयू यूनिट में पूरा साइलेंस। दादी पावरफुल दृष्टि दे रही थी। सब आसपास थे, नीलूबेन, हम सभी बहने। करीबन 8:30 बजे होंगे, जल्दी से सभी बहनों को, बड़ी बहनों को फोन किया, डॉक्टर सब आने लगे। 10:30 तक दादी जी इसी कंडीशन में थी। जिनों जिनों ने बाबा के रथ की सेवा की थी, बॉम्बे की बड़ी बहनें आई, सब आए, सब ने दादी जी से दृष्टि ली, सारे डॉक्टर्स आ गए, और सब आसपास बाबा की याद में खड़े थे। कुछ एक दादी जी से बातें कर रहे थे, दादी हम आपकी आशाओं को पूरा करेंगे, बाबा के गीत बजे, और फिर साइलेंस में 2 घंटा योग की तपस्या चली। लेकिन ऐसे लग रहा था दादी किसी की इंतजार कर रही है। लास्ट में दादी जी के मेन डॉक्टर पहुंचे 10:30 में। दादी जी ने उसको दृष्टि दी, उसने दादी जी को नमन किया, और 5 मिनट में बस दादी जी ने सिर्फ ऐसे आंख किया, और ऐसे लग रहा था कि बाप दादा हाजरा हजूर है, और फरिश्ते को सब लेकर गए।
ये पावरफुल वाइब्रेशंस जो थे जिसमें दुख का बिल्कुल कोई अंश नहीं था, वही दृश्य हमने मधुबन में देखा, शक्तिशाली वाइब्रेशंस। तो ये हमने फील किया कि जब आत्मा संपूर्ण फरिश्ता बनकर जाती है तो शक्तिशाली वाइब्रेशंस होते हैं। उसके बाद तो सारा कारोबार सबने देखा, कैसे डॉक्टर्स पहुंचे, नीलूबेन कितनी शक्तिशाली थी। और आज के दिन तब हम मधुबन गए, हम 17 दिन रुक करके आए। हमने सोचा ये हरा भरा 25 हम सारे बहने थे, भाई बहने गामदेवी सेंटर पे सेवाधारी सब मिलके, हमने सोचा अब कैसा लगेगा। लेकिन ऐसी दिव्य अनुभूति आज दिन तक हो रही है कि दादी जी साथ है, वो शक्ति और इतने पावरफुल वाइब्रेशंस आज तक भी है। जिस फ्लैट में दादी जी ने 3 साल तक तप किया, वो फ्लैट तो जैसे शक्ति पीठ बन गया। यहाँ अभी भी बिल्डिंग वाले कोई आते हैं, दादी जी के डॉक्टर्स भी आते हैं और वो स्थान पर बैठते हैं और इतनी शक्ति का अनुभव करके जाते हैं। और सबके मुख से एक ही आवाज कि दादी जी तो इधर ही है। अज्ञानी डॉक्टर्स भी आज यही कहते हैं कि हमें लग नहीं रहा है कि दादी जी नहीं है। और यही अनुभव हम भी कर रहे हैं कि दादी जी जैसे फरिश्ता रूप में इसी स्थान पर है और ऐसे वाइब्रेशन से उस प्लेट का, जहां पे दादी रहती थी उस कमरे को, जहां दादी बाहर आती थी वो दोनों कमरे को हमने ऐसे ही रखा है। क्योंकि भाई बहने आते हैं कि हमने बाबा के रथ को तो नहीं देखा, लेकिन उसकी तपस्या भूमि को तो हम देखे, जहां आत्मा ने संपन्नता को प्राप्त किया है। तो ये भी एक वंडरफुल ड्रामा का सीन है और ये यही स्थान है जिस स्थान के आसपास साकार बाबा रहा करते थे। गामदेवी सेंटर के बाजू में सागर किनारा है और इसी सागर के किनारे पर ब्रह्मा बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ था। बबुलनाथ का टेंपल है, वहां पर भी साक्षात्कार हुआ था। बाजू में समुद्र है, बाबा की यादगारें हैं। और अब पता चला कि इसीलिए इस स्थान का नाम गाम देवी पड़ा है कि साक्षात देवी की यहाँ शक्ति पीठ बना है, जहां भगवान के रथ ने इतना बड़ा तप किया है। नीलूबेन सुनाया करती थी कि कभी दादी कोई स्थान पर 1 मास से ज्यादा नहीं रही है, ये ड्रामा में पहली बार है। तो हमें तो ये महसूस होता है जो पूनम बेन ने कहा, ये 3 साल में हमने बहुत दिव्य अनुभूतियां की, बहुत सारी शक्तियों को दादी ने बढ़ाया। हालांकि बातें तो बड़ी बड़ी आती थी, लेकिन वो बातें बातें नहीं लगी, शक्तियां बढ़ी। तो आज जब हम अपने आप को देखते हैं तो यही महसूस करते हैं कि ये बाबा की दुआएं हैं, बड़ों की आशीर्वाद है और समस्त ब्राह्मण परिवार के वाइब्रेशंस
और सबकी दुआओं से आज बाबा की इस सेवा को और इस कार्य को निर्विघ्न रीति से हम सभी कर पाए। उसमें पूरे यज्ञ का सहयोग है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। और इसी भाग्य को हम याद करते हैं कि भगवान के रथ को इन आंखों के द्वारा संपन्न होते हुए देखा। तो अब तो दिल बार बार यही कहता है कि बाबा के इस प्यार का रिटर्न दादी की सूक्ष्म पालनाओं का रिटर्न हमें बाप समान बनकर देना है। और उसके बाद देखो, क्योंकि जब दादी यहां थी तो सब कहते थे, कोरोना था ना, कि भगवान का रथ है तब तक सब थमा हुआ है, बॉम्बे का कुछ बिगड़ नहीं सकता है। और आज हम फील कर रहे हैं कि दादी संपन्न बन गई है और हमें कह रही है कि अभी आप संपन्न बनो। हालात तो कैसे बदल रही है, आज तो बॉम्बे का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया है, चारों तरफ भय भय। और आप सब तो सुनते हो समाचार, लेकिन दिल अंदर से यही कहता है कि अब समय है हम सब ब्राह्मणों को बाप की पालना का रिटर्न देकर संपन्न बनना है। तो बस मुझे लगता है कि इससे ज्यादा और कोई तो अनुभव हो नहीं सकता है, इसलिए आज दादी जी के साथ का अनुभव आप सभी से शेयर किया। ओम शांति। ओम शांति। निया बहन जी, आपने अनुभव के महासागर को एक घंटे की गागर में समा लिया और कहूंगा एक दूसरी ही दिशा में हम सबको ले लिया, जैसे कि वाणी से परे हम सब हो गए। और कितनी गुह्य बातें और वो अंतिम इशारे भी, दादी के कहो बाबा के कहो, वो हम सबको आपने दिए। और एक बात मैं ओपनली कहना भी चाहता हूँ कि आपने एक राज अच्छा खोल दिया। नेहा बहन जी, कई ब्राह्मणों के अंदर एक गलत फहमी है कि दादी जी को लास्ट में मधुबन नहीं लाया गया 3 साल तक। लेकिन आज आपने बहुत अच्छी बात सुनाई कि वो दादी जी का डिसीजन था कि दादी वहां रहे, अभी मधुबन नहीं जाना है। मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन ब्राह्मणों को जो थोड़ा संशय होता है वो निकाल दे और समझे ये दादी जी का अपना डिसीजन था, ये कोई व्यक्ति विशेष किसी और का डिसीजन नहीं था कि दादी को मधुबन नहीं पहुंचाया गया। तो इसके लिए भी निया बहन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आदरणीय ब्रदर डॉक्टर जैन भाई जी भी है। डॉक्टर साहब, आप भी वेलकम के वक्त शायद आप थे, मैं नहीं ढूंढ पाया इसलिए मैं सॉरी कहता हूँ, शायद आप थे। तो निया बहन वो पहले से ही थे लेकिन मैं शायद उनका वीडियो बंद था तो उनको नहीं बुला पाया, सॉरी। डॉक्टर साहब आप दो शब्द कहे। ओम शांति। हमारे नेहा बेन आज्ञाकारी बनने से, दिल से आज्ञाकारी है ना, बड़ों से इतना प्यार किया है तो आपको भी सब प्यार करते ही रहेंगे। बचपन से ही बाबा के साथ इतना प्यार रहा और सारे परिवार के साथ प्यार रहा और बड़ों बड़ों की आज्ञा पर चल के आपने जो पाठ बजाया है, आपने भी लगता है हड्डी हड्डी दे दी है इस सेवा में। तो आप तो बहुत भाग्यशाली भी हो और तीव्र पुरुषार्थी भी हो, क्योंकि तीव्र पुरुषार्थ के बिना तो भाग्य बनता नहीं है। बड़ों बड़ों के बीच में रहने की ताकत चाहिए, क्योंकि वहां ही हमारी परीक्षा होती है कि कैसे अपने मत को खत्म करके अपने परिवार के जो बड़े हैं उनको फॉलो करना, ये बहुत बहुत
ताकत की बात है जो आपने सचमुच ये दिखा के दिया है। और मैं तो यही कहूंगा, सारी विश्व को यही कहना चाहता हूं, क्योंकि ये तो सारे विश्व में जाएगा और खास सब देखेंगे, क्योंकि इसमें एक तरफ तीव्र पुरुषार्थी है, दूसरी तरफ बाबा का रथ और बड़े बड़े महारथी के साथ का अनुभव है। तो ये देखने से अनेकों को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे हमें फास्ट गति से, तीव्र गति से सेवा में आगे बढ़ना है। ये एक एग्जाम्पल टॉपिक हो जाएगा सबके लिए। और मैं कहता हूँ कि सभी इस कार्यक्रम को अच्छी तरह सुने और अच्छी तरह से देख के अपने जीवन में प्रेरणा ले, यही हमारी सबके प्रति आशा है। और हमारी प्यारी बहन स्नेहा बहन, उनको तो मैं बचपन से जानता हूँ, क्योंकि इनके पिताजी हमारे मित्र रहे हैं और हमारे साथ भी रैली में भी चले हुए हैं। उनको पता नहीं होगा आपको, लेकिन जी पता है। तो उनका भी अपना नम्र नेचर और बाबा की लगन थी, तो ऐसी बच्ची आके उनके जीवन को और अपने जीवन को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बना रही है। इसीलिए हम सबकी उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और हमारी शुभेच्छाएं हैं। सब हम गैलरी में हाथ खड़ा करके उनको प्यार भरा अभिनंदन देंगे। मिलेश भाई, दयाल भाई कुछ एक सवाल पूछना चाहते थे, तो मेरा निवेदन है कि अगर, क्योंकि वो दयाल भाई भी हमारे आर्ट एंड कल्चर विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर है और उषा दीदी रमेश भाई जी के साथ साथ रह के बहुत सेवाएं आपने की है और अभी पूरे आर्ट एंड कल्चर विंग को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी आपके लिए बहुत बहुत दिल से स्नेह है कि आप इतनी बड़ी सेवा की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। जी दयाल भाई जी। और नियाबेन, ये आर्ट एंड कल्चर की जो बागडोर है वो भी तो गुलजार दादी ने ही सौंपी है दयाल भाई को। हाँ जी, चेयर पर्सन रहे ना दादी जी ने। हाँ जी जी, दयाल भाई पूछे आप क्या कहना चाहते थे। अब दादी का अनुभव नया बहन के द्वारा मैं ऐसे प्रैक्टिकली सुनना चाहता था कि एक्चुअली वहाँ डे टू डे कैसे दादी में चेंजेस आते रहे हैं और आप बहनों की भी कैसी उसमें स्थिति होती रही है, ये मेरा अंदर से बहुत समय से प्रश्न था जिसका जवाब मुझे अभी नया बहन ने दिया। नया बहन ने नीचे शांतिवन में भी क्लास में शायद ये बात बताई होगी या उसका डिटेल में हुआ होगा, लेकिन मैं नीचे आजकल जाता नहीं हूं क्योंकि उस समय में भी जब दादी यहाँ ज्ञान सरोवर में आए थे तो यानी दादी की बॉडी को जब लाए थे, बस मैं वहीं पर दादी को मिला और मैं नीचे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों ने घमसान किया और वहां पर वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह उन लोगों ने काफी उस तरीके से फॉलो नहीं होती है, ऐसे इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ। तो दादी तो हमारे दिल में है, मुझे तो नहीं लगता है कि दादी गई है। और ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे, मुझे बाबा का बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल याद है कि भाऊ ने शरीर छोड़ा था भी बॉम्बे में जी, तो बाबा को फोन किया कि बाबा भाऊ को लाए क्या, क्या करना है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा भाऊ जैसा बाबा का राइट हैंड, बाबा ने कहा नहीं, उनका अंतिम संस्कार वहीं करा था। तो मैं ये कहता हूं कि हम लोगों ने जो हमारे सीनियर्स है उन लोगों के टीचिंग्स को अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए। अगर हम उसका सिर्फ वर्णन करते हैं और उसको फॉलो नहीं करते हैं, यानी कहने का मतलब बाबा इतने लवफुल भी थे
और बाबा इतने डिटैच भी थे। तो आज का ये वातावरण नया बहन जी ने इतना अव्यक्त रीति से सुनाया समझाया और वो अभी हमारे माइंड में इतने गहराई से है कि मैं ये सोचता हूँ कि मेरा प्रश्न इस काफी स्थूल लेवल पर है इसलिए नया बहन जी को हम दोबारा बुलाएंगे। हमने अपने मन की बात छीन ली देखो और नेहा बहन जो है वो तो आशापुरी माँ है, आशापुरी सबकी आशा पूर्ण करने वाली है ना। हाँ, तो जरूर। मेरे दिल की बात, मेरे मुख की बात दयाल भाई साहब आपने छीन ली, तो नेहा बहन वो हम बाद में डेट फिक्स करेंगे क्योंकि आपकी अनुकूलता भी देखना बहुत जरूरी है जब आप अनुमति दे। लेकिन हम जाएंगे कि सागर की कुछ और बूंदे हम तक आपसे पहुंचे तो हाँ। हमें ही नहीं लेकिन दुनिया की बहुत सारी आत्माएं तड़पती है इस कार्यक्रम के द्वारा अनुभवों को सुनने के लिए। तो अनुभवों की गाथा आपके पास है, जो खजाना आपके पास है ये किसी और के पास मुश्किल है। तो हम चाहे तो उस क्लास में हम टोटल कल्चरल विंग की फाउंडेशन से लेके अभी तक की सारी हिस्ट्री दीदी से सुनेंगे। जी बहुत अच्छी बात है और मैं चाहूंगा उसमें हमारे आदरणीय कुसुम दीदी भी हाजिर रहे तो हाँ, उस समय दीदी को भी हम जरूर 10 मिनट के लिए बुलाएंगे तो ही निहावन सुनाएंगे। ठीक है दीदी के लिए हमें, ठीक है बहुत जरूर। शांति मिनट भाई मैं भी नेहा बहन को मिलना चाहता हूँ। क्यों नहीं। शांति ओम शांति शांति। बचपन से ही आप सबको देखा है, इनके परिवार में भी भाई भाभी भाई के बच्चे सब डॉक्टर है और आशा बहन से तो हमारी बातें अभी नहीं हो रही है लेकिन लॉकडाउन के पहले तो होती थी, मिलते रहते थे सारा परिवार सेवादारी है। और बीना बहन भी यहाँ हमारे सेंटर का उद्घाटन होने के बाद दमयंती दी बहन और सब आए थे यहाँ, आप आना बाकी है जी, जरूर निमंत्रण दे रहे हैं कि आप जरूर पधारिए बड़ौदा में। जरूर थैंक यू और आप सभी का भी बहुत दिल से शुक्रिया, आप सबको मिलके बहुत खुशी हुई आज और सचमुच बहुत बड़ी बेहद की सेवाएं आप सभी कर रहे हो, जैन भाई मिनेश भाई बहन और सभी मिलके, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू बहन, दो शब्द आप कहे फिर बाबा की याद में बैठ के पूरा कहेंगे। पूनम बहन। ओम शांति। नेहा बहन का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने अव्यक्त स्थिति में होकर अव्यक्त बाप दादा का दादी जी के द्वारा पुरुषार्थ का तपस्या का ऐसा सुंदर अनुभव सुनाया कि वातावरण ही अव्यक्त हो गया, इसलिए मुझे भी ऐसे लग रहा है कि ज्यादा आवाज में ना आऊं। और लेकिन आपने जो अव्यक्त वातावरण अपनी स्थिति और अपने शब्दों से प्रैक्टिकल में करके दिखाया तो प्रमाण है कि दादी जी की तपस्या की आप पर बहुत गहरी छाप आज दिन तक भी लगी हुई है और यही आपकी अनुभूति आपके द्वारा सबको होती रहे, यही आपके लिए आज के अष्टमी के दिन देवियों के दिन आप देवी के लिए शुभकामना है। ओम शांति। थैंक यू पूनम बहन जी। ठीक है निया बहन जी, आप 2 मिनट सबको दृष्टि दीजिए प्यार भरी और हम फिर पूरा करेंगे। दादी जी की याद दादी जी की याद आज आ रही है, दादी जी की याद आज आ रही है, वही बातें मन में फिर गूंज रही है, दादी जी की याद आज आ रही है, दादी जी की याद।
कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। कितने प्यारे दिन थे वो जब हम मिले थे। फरिश्तों की स्थिति का अनुभव किए थे। वो टोली मीठी बोली कोई नहीं बोली। वही बातें मन में फिर गूंज रही है। दादी जी की याद आ